ये थोड़ा शॉकिंग जैसा ही था, क्योंकि बहुत इसके बारे में बहुत डिस्कशन होती है, बहुत लोग इस पे बात करते हैं 370 370, तो ऑटोमेटिकली एक शॉकिंग टाइप ही लगेगा, जिसके लिए अच्छी बात होगा उसके लिए भी और जिसके लिए बुरा होगा उसके लिए भी, क्योंकि ये ऐसा मतलब डिसीजन लिया गया है कि दोनों तरफ से इसको देखा जाए तो बहुत शॉकिंग टाइप डिसीजन है। Without letting us know what is going to happen, they have done a complete lockdown in the valley. Even the landlines and the internet has been done. In the past 25 years, I have never seen the landline has been blocked in the valley. It's the first time I have ever seen this. And the reason is that, and due to this, I'm not able to contact my family or friends or anybody in that case in the valley. I don't know what is the ground situation as of now. परिवार से तो कांटेक्ट कोई नहीं हो पा रहा है अभी तक तो। खैर एसएमएस से पे बात हो रही है, एसएमएस तो अभी चल रहे हैं, तो बाकी तो कॉल वगैरह तो हो नहीं रही है अभी तक। इसका सबसे बड़ा फेयर ये होगा कि एक साल बाद दो साल बाद हिंदू मुस्लिम इसके बाद झगड़े उठेंगे कश्मीर में, क्योंकि लोग आने नहीं देंगे किसी भी बाहर वाले को वहाँ पर सेटल अप होने के लिए, क्योंकि जब कोई वहाँ आएगा तो टेररिज्म बढ़ेगा, दिन ब दिन टेररिज्म इससे बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ये तो गवर्नमेंट का एक स्टूपिड मूव है। भाव तो यही है, डर सा है, ये चिंतित हूँ कि घर वाले ठीक होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, सोशल मीडिया पे भी वैसे कुछ जेन्युइन बात तो आ नहीं रही है आगे, तो उस वजह से कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, वो है डर सा है घर वालों को लेकर। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा एग्जाम उठाया है तो उसमें पहले हमारे लिए तो सोचा नहीं गया, इनसिक्योरिटी क्या बोलते हैं हम ये बोलते हैं कि जब उस टाइम इन्होंने सोचा कि अगर यहाँ पे कल कुछ होगा तो यूनिवर्सिटी में तो कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन आउटसाइड क्या पता कोई ऐसा डिसीजन आए जिससे हमें अगर सताया गया तो उस टाइम क्या हम क्या करें।